सोमवार से भक्तों के लिए मंदिर के द्वार खुलेंगे। ढाई महीने के बाद भक्त पूजा पाठ कर सकेंगे, तो नए नियमों के साथ पूजा की जा सकेगी श्रद्धालुओं के जरिए। और इस दौरान कई ऐसे नियम, कई ऐसी गाइडलाइंस जिनका विशेष तौर पर मंदिर समिति को ध्यान रखना होगा, साथ ही वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी। जिसमें सुबह और शाम की बात करें तो मंदिरों को सैनिटाइज किया जाएगा, मंदिर में श्रद्धालुओं को मास्क पहनना जरूरी होगा और घंटी बजाने से उन्हें रोका जाएगा, वो घंटी नहीं बजा पाएंगे। इसके साथ ही जो बड़े घंटे लगे हैं मंदिरों में उनको हटाए जाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों की एंट्री नहीं हो पाएगी, बहुत सीमित संख्या में एक वक्त में लोग श्रद्धालु मौजूद रहेंगे, लेकिन इस दौरान भी उनमें काफी दूरियां रहने वाली हैं। और मनीष पालीवाल हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो मनीष, वाराणसी में देखा जाए तो फिलहाल वहां पर डीएम के आदेशों का इंतजार हो रहा है, लेकिन प्रयागराज में क्या वहां पर व्यवस्थाएं शुरू हो रही हैं? क्या पूरी तैयारियां शुरू हो गई है कल के लिए? जी ऋतु, देखिए प्रयागराज में भी आज जिलाधिकारी की एक बैठक होगी, उस बैठक के बाद ही जो जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किया जाएगा मंदिरों को खोलने के लेकर, और उसी दिशा निर्देश के अनुसार मंदिर खुलेगी। हालांकि यहां पर उम्मीद जो मंदिर जितने भी हैं उनके जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं साधु संत, उनको उम्मीद है कि सोमवार से प्रयागराज के सभी मठ मंदिर खुल सकते हैं, लेकिन मंदिर खुलने का जो अंतिम फैसला है वो आज जिलाधिकारी की बैठक होगी, उसके बाद लिया जाएगा और उसमें जो दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे उसी के अनुसार मंदिर खुलेंगे। आपको बता दें कि जब अनलॉक वन की शुरुआत हुई थी उसके साथ ही जिला प्रशासन ने यह तय कर दिया था कि 7 तारीख को एक बैठक होगी और उस बैठक के बाद मंदिर खोलने का फैसला लिया जाएगा। जिस तरह से ये जो कोरोना काल चल रहा है उसमें सरकार की दिशा निर्देश मिलने के बाद जिला प्रशासन को भी ये अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या और संक्रमण को देखते हुए फैसला ले सकते हैं, इसीलिए आज ये बैठक होगी और उस बैठक के बाद ही ये तय होगा कि मंदिर कल से अगर खुलते हैं तो किन गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे। और जो जितने भी मंदिर हैं वहां पर मंदिर खुलने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मंदिरों में साफ सफाई कर ली गई, सैनिटाइजेशन का पूरा मंदिरों को सैनिटाइज किया गया है, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्किल भी बनाए जा चुके हैं और जो गाइडलाइन है सरकार की उसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। अगर मंदिर खुलता है तो मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को और जो भी सरकार का जो दिशा निर्देश है उसका पालन करवाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर यहां देखा जाए तो पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई है और वो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं जो गाइडलाइंस पे दिए गए हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ मनीष जुड़ने के लिए।